आप देख रहे हैं बिजनेस बर्ड। आइए देखिए, जावा में मेल और फीमेल का कोई ऐसा मसला नहीं होता, मैं आपको बताना पड़ता है। मैं आपको बता दूं मेल और फीमेल में फ़र्क क्या है, बहुत आसान है। देखें, मेल का जो है ये जो देख रहे हैं आप रिंग, ये आई साइड इसकी ज़्यादा गहरी होती है, ये चोंच ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये उठावा होता है और ज़्यादा रेड होता है, ये मेल है। और इसके पर वगैरह भी पूरे हैं, देखें साफ सुथरा है, बिल्कुल बेहतरीन है। कॉलोनी ब्रीड में यही मसला है, कॉलोनी ब्रीड के परिंदे बड़े मजबूत होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। और फीमेल का देखें, ये बिल्कुल देखें मुख्तलिफ है, ये लाइट है और इसके रिंग भी हल्के हैं, ये फीमेल है, ये 100% फीमेल है और ये नर है। दोनों में यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है, आँखों की रिंग देख सकते हैं, इसके डार्क हैं, इसकी चोंच ऊपर से उठी हुई है और लाल है, इसकी हल्की हल्की है, उठी हुई नहीं है, दबी हुई है, और इसके रिंग भी हल्के हैं। ये वाइट जावा क्या ब्लैक में भी यही, सब सिल्वर में सब में यही इनकी पहचान है। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर नहीं है, अगर कोई ऐसा मसला है तो अगर आपको पूछना है तो मैं मेरे कॉन्टैक्ट पर आप पूछ सकते हैं। अगर विज़िट कराना चाहते हैं, अगर विज़िट कराना चाहते हैं सेटअप के ऊपर, तो ठीक है, मेरी मैं सेटअप पे विज़िट भी कर लूँगा, लेकिन मेरी फ़ीस है 2000 रुपये, मैं तो सेट करके दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे सेटअप से सही हो जाए तो मैं आपको करके दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरी फ़ीस मैंने आपको बताई है और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इसके अंदर दिया हुआ है। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपसे मेरे रब्ते में रहिए और मैं आपको बताता हूँ। तो चलें, इसको छोड़ते हैं अपने सेटअप में वापस। तो बड़ी बड़ी बन रिकॉर्डिंग करूँगा आगे घंटे का ना आगे बड़ा तो भाई बड़ा करो रिकॉर्डिंग करूँ। अच्छा ये देखें, अच्छा ये मिसाल फिर मैंने आपको दिखा दिए हैं, नर मादी मेल फीमेल भी बता दी है मैंने आपको, ठीक है। और इसमें जो है ना, अच्छा और दूसरी बात ये कि दुकान पे जाते हैं आप, दुकानदार ये बर्ड सारे ये बेवकूफ़ बना के आपको चीज़ें देते हैं, इस पर बर्ड पे कोई असर नहीं होता। आपको चीज़ देते हैं, कहते हैं झींगी डालें, फला मछली डालें, ये फला डालें, इनको कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल चीज़ों पे होती है, ये सब बेकार की बात है। आपके उल्टे पैसे लगा देते हैं दुकानदार अपनी चीज़ बेचने के लिए। इनको सिर्फ कंगनी चाहिए या बाजरा चाहिए, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, बाजरा, कंगनी, तिल। अभी सर्दी आ जाएगी, आप इनको तिल यूज़ कराएं, तिल बेहतरीन चीज़ है, गर्म रहेंगे, मजबूत रहेंगे परिंदे, तिल डाल सकते हैं आप, इनको पालक के पत्ते डाल सकते हैं। अच्छा मैं नेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगा, नेस्टिंग में लूसन के पत्ते भी डालता हूँ, लूसन भी डालता हूँ मैं इनको, और इतने लंबे साइज़ के ना हो, ये कम से कम 6-6 इंच जितने पीस हो ताकि नेस्टिंग आराम से कर सकें, तो इनको नेस्टिंग में भी आसानी रहे। और ये जो दुकानदारों से लेके आते हैं ये बेकार की चीज़ है, आप अपनी इनको नेचुरल चीज़ों से इनको सब चीज़ें, ये क्या नाम है, पालक से इनको आयरन वगैरह मिलेगा और दूसरे धनिया वगैरह पुदीना है, घर की कोई भी चीज़ है, ऐसी चीज़ें जो हरी है वो इनको ला के डालें, ये बेहतरीन जो खाती हैं और ये आप खुद हैरान होंगे, एक दो दिन मुँह नहीं मारेंगे, इसके बाद जो मारना शुरू करेंगी तो बिल्कुल खाना शुरू कर देंगी। और ये बहुत अच्छी ब्रीडिंग करती है, बच्चे भी इनके माशाल्लाह ऐसे नहीं करते जैसे ये जवान है, बिल्कुल बिल्कुल जवान है ये, मेरे पास ये समझ कि दूसरी ये आधे से ज़्यादा तो इसमें बच्चे हैं मेरे अपने घर के, और जो इसमें बड़े बात है अब वो बच्चे भी बिल्कुल जवान होंगे, बिल्कुल ब्रीडिंग पे हैं, और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ब्रीड करेंगे, बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। तो अगर आपको बच्चे वगैरह भी चाहिए हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बच्चे भी मैं दे सकता हूँ आपको, इनके जो पट्टे निकलेंगे वो भी दे दूँगा मैं आपको, और आपका सेटअप भी करा दूँगा अगर चाहें तो। अगर आप खुद कर सकते हैं, एक्सपर्ट है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन दुकानदारों की लोगों की बातों में ना आए, इनको सीधे सीधी बारीक कंगनी, खीरा, पालक और क्या नाम, अंडा, हाँ मेन चीज़ मैंने बताई नहीं आपको, अंडा उबला हुआ अंडा ही खाते हैं, अंडा उबला हुआ इसको हाथ से उसको मसल दें और रख दें मेल्ट करके, ये खुद खा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, इनको कोई पूरा अंडा पूरा खा जाएंगे ये हफ्ते हफ्ते दो हफ्ते में, ये भी मैं देता हूँ उसको, एग भी देता हूँ, तो आप ये अंडा भी दें इनको, ये जब भी माशाल्लाह मेरे सेहतमंद है, बहुत अच्छे ब्रीडर है मेरे ये, तो इनको ना झींगे की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, इनको सिर्फ इनको खाने की चीज़ दें और पानी नहाने के लिए दें, बस इनके लिए काफ़ी है। और मैं नेस्टिंग करता हूँ, नेस्टिंग में बताता हूँ कि क्या है, नेस्टिंग किस तरह होती है, नेस्टिंग का भी तरीका बताता हूँ मैं आपको, नेस्टिंग वगैरह मैं डालता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, और क्यों ये, और इनको पानी नहाने के लिए ज़रूर रखें भाई, अल्लाह के वास्ते ये पानी बहुत नहाती है, पानी की बहुत शौकीन है, पानी नहीं होगा तो बेचारी बहुत परेशान होंगी, मर जाएंगी, पानी बहुत ज़रूरी है इनको, मैं 2 दफ़ा भी 3-3.5 बजे फिर मैं चेंज करूँगा पानी इनका, पानी हालांकि अभी सही है ये, लेकिन पानी देखें, लेकिन ये मैं दोबारा सही इसको करूँगा, कंगनी वगैरह सब पड़ी है, अभी मैं नेस्टिंग कर रहा हूँ, नेस्टिंग ये बाहर पड़ी हुई है, ये नेस्टिंग रखी हुई है, मैं इसमें लूसन के पास लूसन भी है, सूखे घास भी है, मैं भी डाल रहा हूँ इंशाल्लाह ताला ये नेस्टिंग में, जब ये पूरी नेस्टिंग कर चुकी होंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा, अपडेट फिर वापस करूँगा।